हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विथ माय गार्डन में। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक है ओ ब्यूटीफुल फ्लावर देने वाला प्लांट, यानी कि इफोर्बिया मिली, इसे क्राउन ऑफ थॉर्स भी बोलते हैं। इस प्लांट के बारे में फ्रेंड आज हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। वैसे तो ये प्लांट मैंने फ्रेंड रिपोर्टिंग करके इस छोटे बोतल में रख दिया है। आप पिछले वीडियो की यदि ओवरव्यू देखेंगे फ्रेंड तो आपको पता चलेगा शायद कि हमने पहले इसको बड़े गमले में रखा था, लेकिन इसका मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है फ्रेंड और छोटे गमले में रख दिया है। वैसे इसको भी थोड़े समय पहले ही हमने किया है फ्रेंड, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देने लगा है और इसके फ्लावर है फ्रेंड वो भी पूरे साल तक इस तरह से बने ही रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं इफोर्बिया मिली के बारे में, यानी कि क्राउन ऑफ थॉर्स के प्लांट के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले फ्रेंड इसके गमले की बात करूं तो आप इसमें छोटे बड़ा कोई भी गमले का प्रयोग कर सकते हो। पहले ये बड़े गमले में था, अब देखिए मैंने छोटी बोतल में ही रख दिया है। तो वैसे तो ये फ्रेंड बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये प्लांट है वो फ्रेंड किसी भी जगह आसानी से ग्रो हो जाता है, तो इसमें आप कोई भी छोटे बड़े गमले का प्रयोग कर सकते हो। और ये प्लांट है वो फ्रेंड ज़्यादातर कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। उसके बाद फ्रेंड हम इसमें मिट्टी की बात करें तो फ्रेंड इस प्लांट में आप वेल्डन मिट्टी का प्रयोग कीजिए। वैसे तो ये प्लांट है वो फ्रेंड किसी भी मिट्टी में आसानी से सर्वाइव हो जाता है, लेकिन बहुत चिकनी मिट्टी का प्रयोग आप इस प्लांट में ना करें। यदि एक पार्ट है वो गार्डन वाली मिट्टी, एक पार्ट है वो जब हमारी सेंट वाली मिट्टी आती है यानी कि भुरभुरी भालू प्रकार की मिट्टी, उसका प्रयोग कर सकते हो। यदि भालू प्रकार की मिट्टी हो फ्रेंड तो उसका ज़्यादा प्रयोग करोगे तो थोड़ा बेहतर रिजल्ट इसमें मिलेगा, लेकिन बहुत चिकनी मिट्टी का इसमें प्रयोग ना करें फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड इसमें पानी की बात करें हम तो इस प्लांट में फ्रेंड आपको एक बैलेंस बना के रखना होगा, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं है और बहुत कम भी पानी पसंद नहीं है। यदि थोड़ा कम पानी होगा फ्रेंड तो चलेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग तो इस प्लांट में बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि इसके जो स्टेम्प आते हैं फ्रेंड वो पूरा पानी से भरा ही रहता है। तो यदि आप इसमें फ्रेंड 6-7 दिन के बाद भी पानी का प्रयोग करोगे तो भी ये प्लांट है वो मरने वाला नहीं है, लगातार चलने वाला ये प्लांट है। एक बार लगा दिया फ्रेंड तो बरसों तक ये फ्लावर भी देगा और ग्रो भी होता रहेगा। उसके बाद फ्रेंड इसमें फल फूल की बात करूँ तो आप अभी देख ही रहे हो फ्रेंड कि इसमें फ्लावर है वो लगातार पूरे साल तक कुछ महीनों को बात करते हुए बने ही रहते हैं इस प्लांट में। तकरीबन इस फ्लावर की फ्रेंड लाइफ है वो 12-15 दिनों तक ऐसे ही बने रहते हैं। तो इसके फ्लावर है वो फ्रेंड लंबे समय तक हमारे गार्डन की जो खूबसूरती है वो बढ़ाते रहते हैं। दूसरे कई प्लांट हो गए फ्रेंड इसमें 1-2 दिन फ्लावर रहते हैं, लेकिन इस प्लांट में फ्रेंड 12-15 दिनों तक इस तरह के ही फ्लावर है वो बने रहते हैं। और साथ ही फ्रेंड जितने फ्लावर है उतने ही इसमें कांटे भी है, आप देख सकते होगे फ्रेंड। और ये कहावत ही है फ्रेंड, आपने सुनी भी होगी कि जहाँ फूल होगे वहाँ कांटे भी होगे, तो ये प्लांट के लिए वो कहावत है थोड़ी सूटेबल बनती है, क्योंकि कांटे और फूल दोनों इस प्लांट में है। उसके बाद फ्रेंड इसमें धूप छाव की बात करूँ तो ये प्लांट को है वो फ्रेंड थोड़ी धूप पसंद है, लेकिन आप बहुत तेज़ धूप आती हो जहाँ तकरीबन टेम्परेचर है वो 40 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड, तो उस टाइम आप इसे सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड, धूप भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा प्लांट हो चुका हो फ्रेंड तो ही इसे धूप में रखे, और छोटा प्लांट हो फ्रेंड तो आप इसे बहुत तेज़ धूप में ना रखे। एक बार अच्छी तरह से सर्वाइव हो जाए उसके बाद ये धूप भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो 40 डिग्री या उससे ज़्यादा हो तो उस टाइम आप थोड़े दिनों के लिए इसे सेमी शेड एरिया में रख सकते हो। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और यदि हम इसे धूप में रख दें फ्रेंड तो इसकी ग्रोथ है वो थोड़ी थम जाती है और इसके पत्ते वगैरह है वो थोड़े सूखने लगते हैं, तो आपको उस टाइम थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। और वैसे फ्रेंड इसकी मौसम की बात की जाए कि किस मौसम में इसे ग्रो कर सकते हो, तो ये प्लांट है वो फ्रेंड 12 मंथ कभी भी ग्रो हो सकता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं और आसानी से सर्वाइव हो जाता है। लेकिन मैंने जैसा बोला फ्रेंड के कुछ गर्मियों का मौसम होता है, जैसे कि अप्रैल मंथ है, मई का मंथ है,
तो उस टाइम आप सर्वाइव की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में क्या है कि सर्वाइव के चांसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं। बाकी 12 मंथ कभी भी आप इसे ग्रो कर सकते हो। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ फ्रेंड, तो इस प्लांट में आप घरेलू खाद है, NPK है, कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र है, एप्सम सॉल्ट है, DAP है, इसका आप प्रयोग कर सकते हो यदि चाहो फ्रेंड, तो 1-2 मंथ में आप कर सकते हो। वैसे कंपलसरी नहीं है फ्रेंड कि इस प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र की रेगुलर ज़रूरत रहती है, बिना फर्टिलाइज़र के भी अच्छी तरह से ग्रो होगा, लेकिन थोड़ी केयर करोगे फ्रेंड तो इसमें फ्लावर है वो थोड़े ज़्यादा बने रहेंगे। उसके बाद फ्रेंड इसमें कोई फंगस पेस्ट अटैक की बात करूँ, तो इस प्लांट में फ्रेंड कोई भी फंगस या पेस्ट अटैक बनता नहीं है, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं बने रहेगी कि कोई जंतुनाशक का प्रयोग कर सके। यदि और प्लांट को देते हो फ्रेंड कोई फंगिसाइड या पेस्टिसाइड, तो कभी कभी आप देना चाहो तो दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और इंडोर आउटडोर की बात करूँ फ्रेंड इस प्लांट में, तो ये प्लांट को फ्रेंड इंडोर थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल है, इसे थोड़ी धूप तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आउटडोर रखोगे फ्रेंड तो अच्छी तरह धूप मिलेगी, तो इसमें फ्लावर वगैरह है, इसकी लीव्स है वो अच्छी तरह से ग्रीनरी बनी रहेगी, तो आप इसे आउटडोर ही ग्रो करें। और इसमें ग्रोथ की बात करूँ फ्रेंड, तो ये प्लांट है वो मीडियम गति से ग्रोथ पे चलने वाला प्लांट है, कोई ऐसी रॉकेट गति से ये ग्रो नहीं होगा, धीरे धीरे ये प्लांट है वो सर्वाइव होता रहेगा और फ्लावर भी बनते रहेंगे फ्रेंड। और प्रूनिंग की बात करूँ फ्रेंड इसमें, तो इसमें ज़्यादा प्रूनिंग ना करें फ्रेंड, और ख़ास करके फ्रेंड ये फ्लावरिंग पर हो, तो ज़्यादातर फ्लावर के लिए कुछ पत्तियाँ होती है वो सूखने लगती है, इस प्रकार की हो जाए तो आप इस पत्तियों को है वो निकाल दीजिए, ताकि ये पूरी ताकत है वो अपनी फ्लावर पर लगाए, नहीं तो क्या होता है कुछ ब्रांचेस वगैरह हो और न्यू बन रही हो और सूखने लगी हो फ्रेंड, तो उस ब्रांचेस को भी आपको हटा देना चाहिए, नहीं तो वो क्या है कि पूरा खुराक है वो ले लेती है और फ्लावर को अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं होने देगा। तो आप ऐसी सूखी पत्तियाँ हो या सूखी ब्रांचेस हो तो निकाल दिए, तो अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग बना रहेगा इसमें। और उसके बाद फ्रेंड इसमें गुड़ाई की बात करूँ, तो ये प्लांट में फ्रेंड क्या है कि अभी तो मेरे पास ये छोटा ही गमला है, वैसे तो ये बोतल ही है फ्रेंड, तो यदि स्पेस ज़्यादा हो और आपने ग्राउंड पर ग्रो किया हो या बड़ा गमला हो फ्रेंड, तो हल्की सी गुड़ाई आप 1-2 मंथ में कर दीजिए और 24 घंटे तक इसे ही खुला ही छोड़ दीजिए, तो एयर सर्कुलेशन एक बार अच्छी तरह से बन जाए तो इसे थोड़ी जगह मिलेगी अच्छी तरह से ग्रो होने के लिए, तो आप गुड़ाई भी इसे टाइम टू टाइम कर सकते हो। और उसके बाद फ्रेंड इसमें कोई मेंटेनेंस की बात करूँ, तो ये प्लांट में कोई ज़्यादा इतनी मेंटेनेंस वाला प्लांट ही नहीं है। और जो लोग इफोरबिया मिलिके यानी कि क्राउन ऑफ थॉर्स के बारे में नहीं जानते हैं, उसके लिए तो ये इफोरबिया मिली काफ़ी यूजफुल प्लांट है। वैसे ये प्लांट की कोई ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है फ्रेंड, और इजी टू ग्रो है। और इसके कटिंग को प्रूनिंग करते समय फ्रेंड एक खास ध्यान रखें कि इस प्लांट में है वो एक मिल्क प्रकार का लिक्विड निकलता है, तो यदि आपको इसकी एलर्जी वगैरह हो तो आप इसमें ग्लोव्स पहन कर ही ऐसे काम करें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड आपको यदि एलर्जी हो तो। और इसकी फ्रेंड वैसे वैरायटी भी 3-4 आती है, साथ ही फ्रेंड इसमें पूरे साल वो फूल बने ही रहेंगे इस प्रकार से। और यदि मेंटेनेंस में फ्रेंड आप इसे कोई फर्टिलाइज़र देना चाहे, तो इसके रूट के ऊपर आप कोई फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें, उसके अगल बगल में ही कोई फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, ताकि इसके रूट को कोई डिस्टर्ब ना हो। आप चाहो फ्रेंड तो इस पर आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र भी प्रयोग कर सकते हो, उससे भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और यदि नया कटिंग ग्रो करना चाहो फ्रेंड, तो आप तकरीबन 1-2 दिन है वो उसे ड्राई होने दीजिए, उसके बाद ही इसके कटिंग को आप गमले में या ग्राउंड में सर्वाइव करें, तो ये अच्छी तरह से इसके रूट है वो डेवलप हो जाएंगे। वैसे तो फ्रेंड ये इजी टू ग्रो है, कोई ज़्यादा इसमें खर्च वाला प्लांट है ही नहीं है। तो फ्रेंड आशा रखता हूँ कि इफोरबिया मिली यानी कि क्राउन ऑफ थॉर्स प्लांट के बारे में आपको जानकारी अच्छी तरह मिल चुकी होगी। यदि फ्रेंड आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ऐसे ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।